दोस्तों, ये कॉटन की साड़ी है और ये एक कॉटन मिक्स कपड़ा है दोस्तों। थोड़ा सा सॉफ्ट है ये और ये थोड़ा सा रफ कपड़ा है दोस्तों। तो इनको दोनों को हमें क्रिस्पी करना है। स्टार्च, घर पे स्टार्च कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगा, और घर पे किस तरह से इनको स्टार्च करना है वो भी आपको दिखाऊंगा। बने रहे दोस्तों इस वीडियो में। पानी अभी उबलने लगा है, अभी स्टार्च लाता हूँ और इसमें घोलता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये एक कटोरी है और बहुत जल्द मैं ना एक स्केल भी लेके आऊंगा कि मतलब आपको ग्राम के हिसाब से भी गिन के दिखाऊंगा। बट ये मेरे हिसाब से है ना 100-150 ग्राम के आसपास होगा दोस्तों, 100 ग्राम के आसपास होगा। बहुत ही हल्का है, दिखता ज्यादा है बट बहुत ही हल्का है दोस्तों ये स्टार्च। ओके, तो इसको हम पहले, तो ये सबसे आसान है दोस्तों, ये स्टार्च बनाना आसान है। इसमें से सारी ये जो गांठें होती है ना वो सारी निकाल लेना है। चलिए इसमें 2-4 साड़ियां हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों अभी पानी गर्म ही है और ये जो है ना, ये स्टोव जो है ना मैंने गैस का थोड़ा सा फुल कर दिया है दोस्तों, और इस तरह से इसको हिलाते ही रहना है। अभी पूरा स्टार्च उबलने तक इसको हिलाते ही रहना है। 10-10 मिनट लगेंगे दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। अभी ये थोड़ा थोड़ा उबलने लगा है, अभी जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना तब समझ लेंगे कि स्टार्च हमारा बन गया है। 5 मिनट और लगेंगे। अभी ये स्टार्च बन गया है दोस्तों, देख लीजिए व्हाइटनेस इसका कम हो गया और देखिए ट्रांसपेरेंट भी हो गया है दोस्तों। ये अभी इसको फिल्टर करेंगे दोस्तों। ये स्टार्च फिल्टर करना साबुदाना के कंपैरिजन में बहुत आसान है। इसमें वेस्टेज नहीं जाता है दोस्तों और पूरा स्टार्च हमारा बन गया। अभी इसको हम थोड़ा सा और न्यूट्रल करेंगे और इसमें पानी डालेंगे, डाइल्यूट करेंगे इसको और फिर साड़ियों में यूज करेंगे। बने रहे दोस्तों स्टूडियो में। दोस्तों ये नॉर्मल पानी है, 1.5 लीटर के आसपास पानी है दोस्तों, और ये हमारा स्टार्च है। तो हमें डिप करके स्टार्च करना है ना, तो इसमें हमें डाल देते हैं। दो साड़ियां हमें स्टार्च करनी है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। और ये व्हाइट कलर की साड़ी है तो दिक्कत नहीं है, बट कॉटन की डार्क कलर की साड़ी हो तो स्टेन आ सकते हैं। तो इसीलिए हमको इसको ज्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। और ये साड़ी आप डायरेक्ट ड्राई भी डाल सकते हो, गीली साड़ी भी डाल सकते हो, हाइड्रो से निकालने के बाद में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये आप काम घर पे करना चाहते हो तो ये साड़ी अभी इस तरह से निचोड़ के डायरेक्ट सुखाने के लिए डाल सकते हो दोस्तों, बट अभी बारिश का मौसम है तो मैं इसको हाइड्रो में डाल देता हूं। ये भी इसको भी करेंगे स्टार्च, हो गई। और अगर आपको ज्यादा क्रिस्पी चाहिए ना तो ये डायरेक्ट सुखाने के लिए डालना है दोस्तों, इस तरह से निचोड़ के डायरेक्ट सुखाने के लिए डाल दीजिए। फिर ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगी दोस्तों, बट अभी बारिश का मौसम है तो इसको मैं मशीन में डालता हूँ दोस्तों स्पिन करने के लिए। तो हमने 30-40 सेकंड ये हाइड्रो में स्पिन किया दोस्तों दोनों साड़ियाँ। और दोस्तों ये दोनों साड़ियाँ मैंने घर पर ही सुखाने के लिए डाल दी है। दोस्तों
ये दोनों साड़ियाँ पूरी तरह से ड्राई हो गए हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी हो गए हैं दोस्तों। ये काफ़ी स्मूथ कपड़ा था बट ये अभी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। अभी आप चाहो तो इसको ब्रास आयरन से आयरन कर सकते हो या फिर आप चाहो तो साड़ी रोल प्रेस मशीन पे रोल प्रेस कर सकते हो, रोल प्रेस स्टैंड के ऊपर रोल प्रेस कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। थोड़ा सा पानी स्प्रे करना है और आप इसको रोल प्रेस वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से साड़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है दोस्तों। तो बस ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।